जैसा कि आप जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर विपक्ष ने काफी एतराज जताया था। लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले अजीत पवार का सीएम योगी के नारे पर एतराज जताना कई बातों की तरफ इशारे करता है। खैर, फिलहाल इशारों की नहीं, आने वाली खबरों के बारे में बात करते हैं। जो आई है खबर, इस बारे में बात करते हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति यानी कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी शामिल है। ये गुटों की सरकार है। गठबंधन के सभी घटक दलें सहयोगी पार्टियों के समर्थन में प्रचार कर रही हैं और इसी बीच अजीत पवार का मामला लगता है बीजेपी के साथ अलग तरीके से है। जी हाँ, यहाँ आप सबको बताना चाहेंगे, योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर सवाल उठा दिए हैं। आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर अजीत पवार भड़कते नजर आए। विधानसभा चुनाव में अब उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए अजीत पवार ने कहा है कुछ ऐसा। जी हाँ, उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिससे योगी आदित्यनाथ को तो झटका लगेगा। दौरे पर वो चुनाव के प्रचार के लिए निकल रहे हैं। इस बीच कहा जा रहा है कि ये भी एक तरफ से पवार परिवार को एक साथ ले जाने का है। इससे पहले नवाब मलिक को चुनावी मैदान पर उतार कर भाजपा और शिवसेना गुट को नाराज तो अजीत पवार ने किया ही था। अब योगी आदित्यनाथ के इस नारे के खिलाफ उनका आवाज उठाना चौंकाने वाला तो होगा ही। जी हाँ, आपको बता दें हमारी इस रिपोर्ट में फिलहाल कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ, जो बुधवार को पूर्वी महाराष्ट्र के वाशिम में एक चुनौती रैली में अपने बटेंगे तो कटेंगे नारे को दोहराते नजर आए, इसी पर महाराष्ट्र में इस तरह की टिप्पणियां पसंद नहीं, अजीत पवार ने कहा। जी हाँ, गुरुवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख अजीत पवार ने कहा, राज्य के लोग इस तरह की टिप्पणी पसंद नहीं करते। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा, प्रदेश के लोगों ने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का प्रयास किया है। योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर अजीत पवार ने संवाददाताओं से वार्तालाप के दौरान कहा, महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज और महात्मा फुले का है। आप महाराष्ट्र की तुलना अन्य राज्यों से नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के लोगों को ये पसंद नहीं है। ये कहकर अजीत पवार ने उल्टी सीएम योगी आदित्यनाथ को चेतावनी ही नहीं दी बल्कि उनका घमंड तोड़ा। बड़े घमंड के साथ अजीत पवार के लिए भी प्रचार करने वो आए होंगे और वहीं उनके समर्थन में आने के बजाय वो उनके खिलाफ ही, अजीत पवार तो सीएम योगी के खिलाफ ही खड़े हो गए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रिपोर्ट।